महाभारत ऐसा महाकाव्य है जो कि हिंदू धर्म का आधार है। महाभारत महाकाव्य श्री गणेश के हाथों लिखा गया था। इसे वेद व्यास ने बोला था, महाभारत में कौरव और पांडव के बीच राज्य प्रतीक के लिए युद्ध होगा। इस युद्ध में कौरवों की तरफ से गुरु श्री द्रोणाचार्य ने भाग लिया था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भी कौरव की तरफ से युद्ध लड़ा था। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था। आज हम आपको महाभारत के अमर योद्धा अश्वत्थामा के बारे में बताएंगे कि आखिर अश्वत्थामा को शराब क्यों दिया था, ऐसा क्या गुनाह किया था अश्वत्थामा ने जो उनको शराब भुगतना पड़ा था, और क्यों लोग आज भी कहते हैं कि अश्वत्थामा जिंदा है, और क्यों लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा को देखा गया है, और जिसने भी देखा है वो दिमागी हालत से पागल हो जाता है। आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि क्या अश्वत्थामा सच में जिंदा है और क्यों उनको शराब दिया गया था। चलिए बताते हैं अश्वत्थामा के रहस्य के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसका जन्म महाभारत काल में यानी द्वापर युग में हुआ था। द्रोणाचार्य को संतान प्राप्त नहीं हो रही थी तो वह भटकते भटकते हिमालयों की वादियों में पहुंच गए। वहां उन्होंने तेपेश्वर महादेव नामक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना करके एक पुत्र प्राप्त किया जो अश्वत्थामा था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का अंश है। अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी जो कि उसे किसी भी राक्षस, असुर, मानव, जानवर, देव के सामने निडर बनाए रखती थी। अश्वत्थामा के सर पर मणि उसके जन्म से ही थी। इनकी माता का नाम कृपी था। कृपी और द्रोणाचार्य काफी संघर्ष जीवन व्यतीत किया। अश्वत्थामा को दूध भी पीने को नहीं मिलता था। जब उनकी गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई, तब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने कौरव और पांडव को शिक्षा दी। पांडव और कौरव के साथ साथ ही उन्होंने अश्वत्थामा को शास्त्र और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा में से एक थे जो सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कहलाता था। लेकिन अश्वत्थामा ने यह गलती की कि उन्होंने कौरव का साथ दिया, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य ने भी कौरव का साथ दिया था। द्रोणाचार्य ने यह सोचकर उनका साथ दिया था कि राज्य से निष्ठा रखते हुए राज्य के खिलाफ लड़ नहीं सकते थे। युद्ध के समय उन्हें किसी भी कौरव या अन्य युद्ध की जरूरत नहीं थी। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ही एक समय पांडव की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण को युक्ति आई। उन्होंने सोचा क्यों ना गुरुदेव को बल से नहीं छल से पराजित किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप गुरु द्रोणाचार्य को कहिए कि अश्वत्थामा युद्ध में मर गया, जिससे गुरुदेव शोक में डूबकर अपने हथियार त्याग देंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मैं गुरुदेव के खिलाफ छल करने के लिए भी तैयार हूँ। कृष्ण भीम एक हाथी की ओर इशारा करते हुए कहे कि उस हाथी का नाम तो बताइए। मंजले भाई भीम कृष्ण जी की युक्ति समझ गए और उस हाथी को मारकर गुरु द्रोणा के सामने चले गए और कहने लगे कि गुरुवर, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। पर द्रोणाचार्य को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने सारथी को कहा कि रथ को युधिष्ठिर की तरफ ले चलो। युधिष्ठिर के रथ के सामने पहुँचते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है। तब युधिष्ठिर ने कहा, हाँ अश्वत्थामा मर गया परंतु हाथी। लेकिन जिस वक्त युधिष्ठिर ने कहा परंतु हाथी, उस समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया था, जिसे गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि अश्वत्थामा उनका पुत्र मर गया। इस तरह युधिष्ठिर के मुंह से झूठ नहीं निकला। यह बात धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से सुनने के बाद द्रोणाचार्य शोक में डूबकर अपने सारे हथियार जमीन पर डाल दिए और शोक मनाने लगे। शोक में डूबे हुए द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रोणाचार्य के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पिता की मौत से अश्वत्थामा बहुत गुस्से में थे। उसे पांडव पर गुस्सा आ रहा था। उसने महाभारत के युद्ध के बाद ठान लिया कि वो पांचों पांडवों को मार डालेगा। वो पांडव की शिविर तक गया और द्रौपदी के बेटों को पांडव समझकर मार दिया। जब द्रौपदी को ये बात पता चली तो उसने अर्जुन सहित सभी पांडवों को अश्वत्थामा को लाने के लिए कहा। अर्जुन ने कसम खाई थी कि वो अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ले जाकर उसे दंड देगा। सभी पांडव कृष्ण जी के साथ अश्वत्थामा को लेने गए। वहाँ पर अश्वत्थामा के साथ एक छोटा सा युद्ध हुआ, जिसमें अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसी समय अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र निकाला। ऋषि मुनियों के समझाने के बाद अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था, तो उसने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा की कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए चला दिया। उससे उसकी जान चली गई। उसके बाद श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो 6000 सालों तक बेसहारा बनकर घूमेगा, उसे कोई भोजन नहीं देगा, और उसके सर से वो मणि भी ले ली। श्री कृष्ण भगवान ने श्राप तो दे दिया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी के श्राप देने के बाद अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं। आखिर वो कहाँ भटक रहे हैं? वो है आसिरगढ़ का किला, जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बुरहानपुर खंडवा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि आसिरगढ़ किले के शिव मंदिर में अश्वत्थामा प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करते हैं। शिवलिंग पर हर दिन सुबह ताजा फूल और गुलाल चढ़ावा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। कहते हैं कि किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने
किले में स्थित। यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी भी नहीं सूखता है। तालाब के थोड़े आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों ओर से खाइयों से घिरा है। उनमें से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडव वन से होते हुए सीधे मंदिर में निकलता है और इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं और पूजा करते हैं। मान्यता है कि आसिरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गौरीघाट नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते हैं। वहाँ के रहने वाले लोगों के मुताबिक कभी कभी वो अपने माथे के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। ये वही घाव है जब इनकी मणि छीन ली गई थी। गांव की कई बुजुर्गों की माने तो जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अश्वत्थामा वहाँ के जंगलों में जोर जोर से चिल्लाते हैं और यही कारण है कि अश्वत्थामा आज तक अपने श्राप से मुक्त नहीं हो पाए, इसीलिए वो आज तक भटक रहे हैं। अगर आपको ये जानना है कि अश्वत्थामा अपने श्राप से कब मुक्त होंगे और इनको मुक्त करने कौन आएगा, तो इस पर हमारी नई वीडियो आएगी जिसमें हम सब कुछ बता देंगे कि अश्वत्थामा को मुक्त करने कौन आएगा। इसीलिए अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं आपको अश्वत्थामा की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।